हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आज आरओ या आरओ का पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर उसका जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा यहाँ पे आंसर की आपको मैं शेयर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो देखती रहिए। और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए फर्स्ट पेपर की ये आंसर की है, और साथ ही जो अभी जो दूसरा पेपर हो रहा है उसकी भी आंसर की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो जो आंसर की आपको जो ही अपलोड होती है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप जो है जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर घंटी बटन दबा लीजिएगा साथ में, जिससे कि आगे की जो ही मैं आंसर की अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बोलूँगा। तो पहला यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग से स्टार्ट है यहाँ पर, तो पहले का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन में है ए डबल आर ई एस टी है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि 13 जो है इसमें टोटल जो है यहाँ पे उपस्थित है इसमें वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। इसके बाद में तीसरे का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है इसके अंदर, तो जो इसका राइट आंसर होगा मिसिंग नंबर जो इसमें है दोस्तों वो है बी वाला, यानी कि 4 नंबर जो है इसमें आएगा यहाँ पे, ठीक है। मिसिंग नंबर होगा 4, बी वाला ऑप्शन होगा इसका राइट। फिर यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, जो दिशा वाला क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ का वो हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं लुप्त संख्या फाइंड करनी है, एक सीरीज दे रखी है इसमें पाँचवें क्वेश्चन में, तो जो 210 के आगे जो लुप्त संख्या आएगी वो आ जाएगी 336। देखिए एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको जो है एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि ये छठे का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ संत शहीद हैं सत्य, तो जो ये सब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्स का वो हो जाएगा ए वाला अनिश्चित, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित अनुमान किया जा सकता है इसका। उसके बाद में बात करते हैं सेवन्थ नंबर की, तो सेवन्थ का देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इसमें भी मिसिंग नंबर, ये अल्फ़ाबेटिकल फाइंड करना है, सीरीज है एक तरह से, तो इसमें जो आंसर होगा सेवन्थ का आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन SVY इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं आठवें की, तो आठवें का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बात करनी है, देखिए एक्स यहाँ पे इसमें एक्स मिसिंग नंबर जो है फाइंड करना है, मे बी आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो एक्स यहाँ पे देख सके इसमें एक्स जो है फाइंड करना है, तो एक्स का जो यहाँ पे वैल्यू है आठवें का वो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट है, तो इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं गलत नहीं बताऊँगा आपको। तो इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, देखिए नवे का जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, 6 सेकंड होगा नवे का राइट आंसर। ये घंटी बजने का 4 बार बजने में कितना समय लगेगा, घंटी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए दसवें का जो राइट आंसर होगा आपका 10th का वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सी, ठीक है। सी जो है इसमें बी वाले ऑप्शन में वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन से सबसे अधिक लंबा है, तो सी वाला सबसे अधिक लंबा है इसमें। उसके बाद में बात करते हैं कि देखिए मिसिंग अल्फ़ाबेट पे यहाँ पे फाइंड करना है, अगला अक्षर क्या होगा ये बताना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि वी इसमें आएगा अगले नंबर पे, पी के बाद में आएगा वी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं, ये क्या पूछा गया है कि MiG-21 लड़ाकू विमान, देखिए ये यहाँ पे जो अभी मैंने करंट अफेयर में आपको पता हो, तो अगर आप मेरे करंट अफेयर का वीडियो देखते हो तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन वैसे के वैसे बताया था कि कौन सी महिला बनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 12वें का वो हो जाएगा डी वाला अवनी चतुर्वेदी, बिल्कुल मैंने ऐसे कैसे बताया था इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा गया है 13वें का आंसर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का वो हो जाएगा अरुण बुद्धा रेड्डी, ये भी आपको मैंने करंट अफेयर में बता दिया था। उसके बाद में ये देखिए वापस से यहाँ पे क्या आ गया कि दिया गया ए बी का एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का, तब डी का चाचा कौन है ये पूछा गया, तो 14 का राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, ए वाला मतलब कि ए में जो ए अल्फ़ाबेट है वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय, ये भी बिल्कुल मैंने सेम बताया था, विषय बताया था पर्यावरण दिवस का दाबी जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें का राइट आंसर। देखिए करंट अफेयर का काफ़ी क्वेश्चन जो है जितने भी इसमें देख रहे हो अभी तक वो सारे मैंने बता दिए थे वीडियो में करंट अफेयर के जो भी है। इसके बाद में 16वें का जो राइट आंसर होगा मैं भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, इसका 16वें का जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी वाला ऑप्शन, केवल 1 और 3rd, यानी कि जो विश्व में भारत और तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है, और तीसरा चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति है, ये दोनों जो है यहाँ पर सही है।
उसके बाद में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर जो 17वां है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 का वो हो जाएगा ए वाला, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सुल्तान जो अजलान साहब कप किसने जिताया 2018 का, तो ये 18वें का राइट आंसर होगा ए वाला, भारत ने जिताया है, ठीक है, सुल्तान अजलान साहब कप। उसके बाद में कौन सा देश 14वें शीतकालीन ओलंपिक, ये भी मैंने बता दिया है, तो 19वें का जो राइट आंसर है आपका बी वाला हो जाएगा, चीन करेगा, ठीक है, 2022 में इसकी मेजबानी। देखिए करंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में 21वां फीफा विश्व कप 2018 किस देश से संपादित होगा, तो ये भी पहले हो गया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूस, ठीक है, बी वाला, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये भी उससे से रिपोर्ट है, विश्व कुशाली रिपोर्ट, ये भी शेयर कर दिया था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं, ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा 21वें का आपका बी वाला ऑप्शन होगा, इसमें केवल 1 और 2 ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 22वें का जो राइट आंसर होगा, देखिए क्या है कि निम्न में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 तक कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो इसका जो राइट आंसर होगा 22वें का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिंगापुर ने किया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 23वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 23वें का आंसर होगा बी वाला, दीव, ठीक है, दीव इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया, ये अभी मैंने रिसेंटली बताया आप सभी को, अगर आपको पता होगा तो, ये जो यहाँ पे पूछा गया 24वें का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। उसके बाद में 25वें का जो राइट आंसर होगा आपका, 25वें का राइट आंसर होगा आपका जो होगा बी वाला ऑप्शन, इसमें मतलब कि 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप। उसके बाद में 26वें का राइट आंसर होगा, देखिए टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 26वें का राइट आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन, केवल 1 और 2 यहाँ पे कथन सही है, ये दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा इसमें। उसके बाद में देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित किया गया है, तो 27वें का देखिए आंसर जो होगा आपका राइट वो हो जाएगा आपका 27वें का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, भीतरी पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। 28वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, नागार्जुन शून्यवाद, सॉरी ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है, 3, 2, 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं 29वें का, तो 29वें का जो राइट आंसर है आपका वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 29वें यानी कि धर्मपाल, ठीक है, विश्वविद्यालय की विक्रमादित्य शिला की जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। फिर 30वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, 30वें का राइट आंसर होगा 3, 2, 1, 4, ठीक है। उसके बाद में 31वें का जो राइट आंसर होगा आपका, 31वें का राइट आंसर है सी वाला, मिहिर भोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन था। फिर 32वें की अगर बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन होगा गोपालगंज, इसका राइट आंसर होगा गोपालगंज। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 33वें नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर होगा, आप मैच कर लीजिए आपके पेपर में अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो। उसके बाद में देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 34वें का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा सी वाला, सी वाला इसमें सही सम्मिलित नहीं है, अब्दुल रजाक जो तुर्की है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 35वें का जो राइट आंसर होगा आपका 35 का ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें का। उसके बाद में देखिए 36वें क्या पूछा है, निम्न में से किसे चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा आपका 36 का डी वाला, नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन। कोई भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 37वें का राइट आंसर बताना है तो शाहरुख नामक चांद का सिक्का चलाया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, बाबर, ठीक है, बाबर ने ये चलाया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पे त्रिरत्न बताने हैं बौद्ध धर्म के अनुसार कौन कौन से, तो 38वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बुद्ध धम्म और संघ, ये भी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा गया है 29वें ऑपरेशन सब रूबिकॉन, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 39वें का हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसका आंसर खुद देखें या फिर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इसका आंसर। 40वें का राइट आंसर देखिए चंपारण का रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा 40वें का डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। उसके बाद में निम्न घटनाओं पर विचार करना है, तो इसका 41वें का राइट आंसर होगा डी वाला, 4, 1, 3, 2 इसका राइट आंसर होगा डी।
42वें की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु थी, ये भी कॉमन सा क्वेश्चन था। 42वें का राइट आंसर आपका जो होगा हो जाएगा बी वाला, सी आर दास, सुभाष चंद्र की बात करते थे, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी का भी पूछ लिया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में 43वें के आंसर बात करते हैं, तो 43वें का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए वाला। ए वाला ऑप्शन में क्या है, 2413 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में 44 की बात करते हैं, तो 44 का जो राइट आंसर होगा आपका सी वाला हो जाएगा, मोहम्मद बिन तगलुक इसका राइट आंसर होगा। अमूर कोई विभाग की स्थापना जिसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 45 की, तो 45 का जो राइट आंसर है आपका ये है दोस्तों, देखिए इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने के बजाय मैं इसे स्किप ही कर देता हूँ, ठीक है, जो भी है आपको बताना है इसका आंसर। उसके बाद में निम्न घटनाओं पर विचार करना है, तो ये जो समझौते वगैरह प्रस्ताव हुए हैं इनको मैच करना है, ठीक है, कौन से क्रम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46वें का ये हो जाएगा बी वाला, 4231 इसका राइट आंसर होगा, इसका क्रम जो है। उसके बाद में 47वें के आंसर जो होगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन होगा इसका, 47वें का स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद में बात करते हैं 48वें की, तो 48वें का जो राइट आंसर देखिए, 48वें का राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, यंग इंडिया जेसी मार्समैन, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला यहाँ पे 4132 ये यहाँ पे, ठीक है, करना था मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान है ये वाला ऑप्शन होगा। 49 का कूका आंदोलन की नींव जो है पड़ी थी, तो आंसर इसका हो जाएगा 49 का आपका सी वाला, पंजाब से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 50वें का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 5000 मिलीलीटर कुल रक्त की मात्रा पूछी है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा तो घुमाया था यहाँ पे क्वेश्चन को। उसके बाद में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटोनों को जो है एमिनो अम्लों में विघटित करता है, तो 51वें का राइट आंसर होगा पेप्सिनार, जो पेप्सिन एंजाइम है वो इनको जो है तोड़ टुकड़ों कर इनको विघटित करता है। साइंस से भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे तो। 52वें का जो राइट आंसर है देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला हो जाएगा, एस्ट्रोन हार्मोन जो है इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, रेलवे वगैरह के एग्जाम के लिए भी इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे 53 की जो आंसर है यहाँ पे वो है डी वाला ऑप्शन, पीवीसी जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं सॉरी हाँ 53वां का राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी, ठीक है। उसके बाद में 54 का आंसर जो होगा आपका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, कॉपर सिनेबार, ये सही सुने में तो नहीं है, कॉपर सिनेबार का जो है आईएक्स नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 55 की जो अगर बात करते हैं तो 55 का आंसर हो जाएगा आयोडीन, जो समुद्री घास है उनका मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आयोडीन मोस्टली। यहाँ पे 56 की अगर बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन होगा 56 का, विटामिन ए जो है गठिया से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है, विटामिन गठिया रोग नहीं होता। और आप बताइएगा मुझे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। 57 की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन होगा इसका, कीनेन जो है मलेरिया रोधी, ये इसका यहाँ पे सही सुमेलन नहीं है। 58 की अगर बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन इसका होगा, घास मेरा रेशम जो है मकड़ियों द्वारा उत्पन्न रेशा कहलाता है, मकड़ियों के द्वारा जो रेशा उत्पन्न हो जाता है उसे कहते हैं घास मेरा रेशम। तो दोस्तों ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, देखिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है, मैं सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चंस जो है आपको शेयर करूँगा। तब तक के लिए जो है यहाँ पे जितने भी और बाकी का क्वेश्चन है मैं थोड़े यहाँ पे सॉल्यूशन ओवर करके आपको जो है बाकी का पेपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ बाकी के पूरा, और जल्दी आपको जो है सेकंड पार्ट का भी यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सारे देखिए क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन इनका कुछ सॉल्यूशन है वो करके मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, आगे की जो भी यहाँ पे जो आंसर की होगी वो आपको मिल जाएगी, बस आपने अगर यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा रखा है और जो बेल आइकन है इसे दबा रखा है, तो नहीं दबाया तो ये दोनों जो है दबा लीजिएगा। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।